हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से राजभोग बनाकर दिखाने वाली हूँ और मैं राजभोग कुकर में बनाने वाली हूँ और ये झटपट तैयार हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। राजभोग बनाने के लिए हमें चाहिए, मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर फुल फैट दूध लिया है, 1.5 कप चीनी ली है, ग्राम्स में नापे तो 300 ग्राम चीनी है, 1 चम्मच सूजी, कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए जिन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया है, इसमें मैंने काजू, बादाम और पिस्ता लिया है, 1/2 चम्मच के करीब इलायची पाउडर, 2 चम्मच के करीब यहाँ पे नींबू का जूस लिया है, थोड़ा सा केसर और मैंने यहाँ पे येलो फूड कलर लिया है। दूध को हम कढ़ाई में डाल लेते हैं और उसको हम उबाल लेंगे। और इसमें हम उबाल आने देते हैं। ये देखिए, दूध में उबाल आने वाला है। जैसे दूध में उबाल आ जाएगा हम गैस बंद कर देंगे। दूध उबल गया है, गैस बंद कर देते हैं। अब हम इसमें नींबू का रस डाल लेते हैं। हम थोड़ा धीरे धीरे करके ही डालेंगे। ये देखिए, दूध फटने लग गया है। फ्रेंड्स, यदि आपके पास नींबू ना हो तो आप इसमें सिरका भी 2 चम्मच के करीब डाल सकते हैं। ये देखिए, दूध अच्छी तरीके से फट गया है। हमने एक बड़े बाउल के ऊपर छलनी रख दी है। अब हम उसके ऊपर मलमल का कपड़ा लगा लेंगे। आप चाहे तो सूती कपड़ा भी लगा सकते हैं। अब हम बड़े ही आराम से, क्योंकि दूध काफ़ी गर्म है, हम छेना निकाल लेंगे। अब हम इसमें पानी डालकर इसका खट्टापन निकाल लेंगे और ये थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा। ऐसा हम 2-3 बार करेंगे जिससे कि खट्टापन अच्छी तरीके से निकल जाए। अब हम इसको अच्छी तरीके से निचोड़ लेंगे जिससे छेना में बिल्कुल भी पानी ना रहे। फ्रेंड्स, मैंने इसे 3 बार धो लिया है और मैं इसे हाथों से दबा कर इसका पानी निकाल रही हूँ। आप चाहे तो इसे 15 मिनट लटका कर इसका पानी भी निकाल सकते हैं। ये देखिए, सारा छेना निकाल लिया है, ड्राई कर लिया है हमने इसे अच्छी तरीके से। अब हम इसे अच्छी तरीके से मसल लेंगे। अब हम इसमें येलो फूड कलर डाल लेते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा ही डाल रही हूँ और 1 चम्मच सूजी, और सभी को मिक्स कर लेंगे। हमें इसे अच्छी तरीके से मलना होता है जिससे ये स्मूथ हो जाए। आप इसे हथेलियों की मदद से इस तरीके से मल लें, ये बहुत ही अच्छी तरीके से मला जाता है इस तरीके से। ये देखिए, हमने छेनों को मलकर चिकना कर लिया है। अब हम राजभोग के लिए बॉल्स तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, बॉल्स बना ली है हमने। अब हम इसे थोड़ी इस तरीके से फ्लैट कर लेंगे। हमें बीच में प्रेशर नहीं देना है, हमें इसे किनारों पे ही डालना है। अब हम इसमें स्टफिंग भर लेंगे। यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। स्टफिंग ज़्यादा ना भरें क्योंकि बॉल के क्रैक होने का डर रहता है। इस तरीके से हम इसे बंद कर देंगे। राजभोग की बॉल तैयार हो गई हैं और इसमें कोई भी क्रैक नहीं है। इस तरीके से हम सारी बॉल स्टफ करके भर लेंगे। ये देखिए, मैंने सारे पेड़े तैयार कर लिए हैं। 1.5 किलो दूध के छेने से मेरे यहाँ पे 7 पेड़े तैयार हुए हैं और मैंने यहाँ पे पेड़ों का साइज़ थोड़ा बड़ा रखा है। मैं राजभोग कुकर में बनाने वाली हूँ। अब हम कुकर में पानी डाल लेते हैं। मैं यहाँ पे 6 कप के करीब पानी डाल रही हूँ।
अब हम इस पर चीनी डालेंगे। ये 300 ग्राम चीनी है और कप से नापे तो 1.5 कप चीनी है। और इसे अब हम घुलने देते हैं। और खुशबू के लिए हम यहाँ पे 4 इलायची फोड़ के डाल लेते हैं। और मैं इसमें 1 चम्मच केवड़ा वाटर भी डाल रही हूँ। केवड़ा वाटर ऑप्शनल है। और चीनी को हम घुलने देंगे। चीनी घुल चुकी है, अब हम इसमें केसर वाला पानी डाल लेते हैं। आप चाहे तो इसमें येलो या फिर ऑरेंज फूड कलर भी डाल सकते हैं। अब हमने इस पे ढक्कन लगा लिया है और जैसे ही पहला प्रेशर आएगा हम गैस कम कर देंगे और इसे हम मीडियम गैस पे 10 मिनट पकने देंगे। एक प्रेशर आ गया है, अब हम गैस कम कर देंगे और इसे हम 10 मिनट ऐसे ही मीडियम गैस पे पकने देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, गैस बंद कर देते हैं और प्रेशर को ठंडा होने देते हैं। ये देखिए प्रेशर रिलीज़ हो गया है, ढक्कन खोल कर चेक कर लेते हैं। वाओ, बहुत ही बढ़िया राजभोग तैयार हुआ है। अभी ये बहुत गर्म है, इसे हम नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देंगे। उसके बाद हम इसे फ्रिज में लगा देंगे, फिर हम ठंडा ठंडा सर्व कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने इन्हें फ्रिज में लगा कर ठंडा कर लिया है और अब ये खाने के लिए तैयार हैं। आप इन्हें घर पर ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आएंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।